ग्वालियर में भूमाफिया के खिलाफ की गई अधूरी कार्रवाई के बाद गुपचुप तरीके से बिल्डिंग से लिफ्ट निकालने के दौरान एक मजदूर पांचवी मंजिल से गिर गया, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया और बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। ग्वालियर में एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिटी सेंटर स्थित ला सफायर होटल में पिछले दिनों प्रशासन ने तोड़फोड़ की थी, जो भूमाफिया राजू कुकरेजा और ललित नागपाल का था। लेकिन उस समय संसाधन कम होने से पूरी बिल्डिंग धराशायी नहीं हो पाई थी, जिसे बारूदी विस्फोट से उड़ाया जाना था। लेकिन करीब 10 दिन बाद भी प्रशासन जब विस्फोट की टीम को नहीं बुला पाई तो बिल्डर ने गुपचुप तरीके से करीब आधा दर्जन मजदूरों को लगाकर बिल्डिंग में लगी लिफ्ट निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लिफ्ट निकालने के दौरान अचानक लिफ्ट को खींचने वाला रस्सा टूट गया और कुछ मजदूर पांचवी मंजिल से नीचे गिर गए, जिसमें राजू विश्वकर्मा नाम का मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भू माफिया ने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। रस्सी टूट गई, चैन पुली होती है अपनी। अच्छा, चैन पुली रहती है अपनी। कितने मजदूर घायल हुए अपन? हमें ही ज्यादा है चोट। कितने लोग थे? पांच। कितनी ऊंचाई से गिरे थे? 8 मंजिल से। 5 मंजिल से? 8। कहाँ कहाँ लगी आपकी चोट? ये हाथ में। खबर मिलने पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और घायल मजदूर से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक बिल्डर मजदूरों से जब लिफ्ट निकलवा रहा था, उस दौरान लिफ्ट गिर गई और यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना की जा रही है और जल्द आरोपियों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करेगी। ये के सूचना प्राप्त हुई थी तो इस पर हमने वहाँ जो है उसके बयान लेने के लिए पुलिस के ASI को भेजा है। उसमें MLC प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। लापरवाही पूर्ण कार्य है, इसलिए उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसका एक हाथ चोट है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।